जब हमारे एक्टर्स इंडिया में बहुत पॉपुलर होने लगे और फवाद वगैरह वहाँ जाके काम करने लगे तो वहाँ के जो कुछ बहुत बड़े एक्टर्स इनसिक्योर हो गए और उन्होंने उसको पॉलिटिकली इशू बना के उनको बंद करवाया। उनको ये नहीं था कि सिर्फ पॉलिटिशियंस को वहाँ मसला था, नहीं, वहाँ के टॉप एक्टर्स को डर गए। और ये नहीं कि उनको फिल्में मिलेंगी, उनको ये था कि आवाम और हमारी पब्लिक पागल हो जाएंगी इनके पीछे। तो एक्टर्स आ गए भाई, ना ये बॉडी दिखा रहे हैं, ना ये ऐसे करके ऐसे कर रहे हैं, ये तो एक्टर्स हैं, ये तो आंखों से काम करते हो भाई, इनको तो डायलॉग डिलीवरी आती है, उर्दू इतनी साफ, मारे गए, उन्होंने बैन करवा दिया। अब चक्कर ये कि इंडियन आवाम इश्क करती है हमारे स्टार्स से, हमारे एक्टर्स से। और ये जो भी रिसेंट टाइम पे वहाज और बिलाल ने जो कर दिया है ना, अब वहाँ हो गई हैं पागल। और जो ड्रामे बनाने वाले लोग हैं उनको समझ आ गई कि ये हमारी ज़रूरत है। एक तो ये कि पाकिस्तान में जो ड्रामा बनता है वो उनके हाफ कॉस्ट में बन जाता है और डायरेक्टर्स हमारे यहाँ जुनूनी हैं, तड़प रहे हैं, काम को बाहर इंटरनेशनल करना है, वो जुनून भी मिल रहा है। और ये स्टार जो कि इंडिया में दे आर वायरल, यू हैव नो आइडिया। बिलाल की इस वक्त जो वहाँ फैन फॉलोइंग है और वहाज की जो लास्ट ईयर थी, कुछ भी आप खान जो है ना इनसिक्योर हो गए कि ये लड़के आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इस एज ग्रुप में वहाँ स्टार्स नहीं हैं, वहाँ एक्टर्स नहीं हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। Z5 सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, वो लोग इतना देख नहीं सकते क्योंकि सब्सक्राइब करें, वो क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन खरीदें, पैसे दें। ये आई एम सो ग्लैड आप समझे कि प्रोजेक्ट इज़ ऑन यूट्यूब। कितना वायरल होगा, कितने लोग देखेंगे, और हमारे ड्रामे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। सो मैं तो कहती हूँ, मैं तो इसको सिर्फ प्रमोट करूँगी क्योंकि पता चले कि हमारी क्या खूबसूरत गलियाँ हैं, क्या खूबसूरत पाकिस्तान है हमारा, हम कितना अच्छा ड्रामा बना सकते हैं। और वो जो दुनिया के लोग तरस रहे हैं पाकिस्तानी एक्टर्स को देखने के लिए, वो अब उनको देखेंगे इन अ फिल्म फॉर्मेट। तो अंजुम शहजाद इज़ नॉट दी ओनली वन, बहुत आपके बड़े डायरेक्टर्स इस वक्त काम ही कर रहे हैं इंडियन टीम्स के साथ। बड़े अरसे बाद ये दोबारा आप क्रेडिट्स पे देखें ना, तो पूरी इंडियन टीम, पहले पाकिस्तानी टीम फिर इंडियन टीम, एक ऐसी क्रेडिट्स चले हैं। आई फेल्ट सो प्राउड एंड हैप्पी, क्योंकि आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, एंड वी आर वर्किंग टुगेदर, जो कि दोनों मीडियाज़ के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अब ये नहीं है कि इंडिया का कॉन्टेंट है, इनका कॉन्टेंट, नो, वी आर एक्चुअली उर्दू कॉन्टेंट, और उर्दू ज़बान और हिंदी ज़बान सिमिलर है। तो कितनी बड़ी व्यूअरशिप है, कितनी बड़ी मार्केट है, फिर इसी को डब करके चाइना चलाएं, इधर चलाएं, उधर चलाएं। तो ये पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और अंजुम ने बहुत अच्छा किया है। द वेरी फ्यू टेक्निकल फ्लॉज जो कि किसी इंडियन ड्रामे से कम हैं, हाँ कम है, बहुत कम है, उसके मुकाबले में दिस इज़ अ सिक्सर। एंड अंजुम शहजाद, बेस्ट हमारी बात है कि तुम्हें बिलाल मिल गया इस वक्त जब इश्क मुर्शिद चल रहा है। द टाइमिंग इज़ अमेजिंग। और देवदास क्लेवर, देवदास वहाँ का कैरेक्टर है, उसको लेके अपने ड्रामे में डाला, सारा को डाला, एक्ट्रेस को डाला, बहुत प्यारी प्रोडक्ट है। आई एम रियली एंजॉइंग दिस। 2 थम्स अप नादिया कंफ्यूज हैं और नादिया के 2 थम्स अप हैं। और देखते हैं मरीना जी क्या कहती हैं। मैं पीछे की पिक्चर देख, हाँ पीछे आगे इधर उधर क्या चल रहा है। नहीं, उस हवाले से तो देखिए हमेशा हर पाकिस्तानी खुश होगा। आप अपने मुल्क की तरक्की कौन नहीं चाहता। अरे इंडियंस कितने खुश हैं, और वो इतने खुश शुक्र कर रहे हैं। मैंने ड्रामा किया हुआ है इंडियन स्टार्स के साथ, आप यकीन माने सिर्फ इस सियासत के नज़र हुआ और वो डब्बे में चला गया। अच्छा। इतनी बड़ी प्रोडक्शन थी, हम लोगों ने दुबई में की, वहाँ के इतने बड़े बड़े स्टार्स सारे आए, यहाँ से सारे बड़े स्टार्स गए, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी थे उसमें, मैं भी थी। आप यकीन माने वो सिर्फ इस सियासत के नज़र, एकता कपूर की पूरी टीम ने कहा था अगर ये ड्रामा यहाँ चलेगा तो हम यहाँ काम नहीं। हालांकि ज़्यादा जब इंडियंस हमारे ड्रामे बनाते हैं ना, अच्छा, तो वो हमें साड़ियों में फंसा देते हैं। और उस ड्रामे की जब हम काम करते थे तब मुझे एकता कपूर ने अपने 2 ड्रामों के लिए साइन किया था। उन्होंने कहा पाकिस्तानी हीरोइन आई, हम नहीं काम करें, हीरोइन नहीं, कोई और कैरेक्टर दे दो, हीरोइन नहीं। वो कह रहे कि ऐसे मैंने कास्ट ही उसको एज हीरोइन किया, कह रही नहीं। आप यकीन कपूर ने आपको साइन किया था, और खासा तुषार कपूर होता तुम्हारे साथ नहीं, आपको पता है इतनी, मैं कहती हूँ वहाँ का एक आप देखें कि वहाँ के लाइटमैन तक ने लाइट रख दी थी कि नहीं जी पाकिस्तान से हीरोइन नहीं आएगी, हीरोइन। ये बताऊं, ये बड़ा जरूरी है कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामे इंडियंस ना बनाएं, ये बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तानी बनाएं, समझ रहे हैं बात। अगर वो बनाएंगे ना, वो हमें साड़ियाँ और उसमें बिंदियों में कंफ्यूज कर देंगे, हमारा भी इमेज खराब कर देंगे। और हुआ है, मोहम्मद अली साहब के साथ हुआ, उन्होंने उनको अपनी फिल्म में बनाया, जाया कर दिया, मोहम्मद राना को बुलाया, जाया कर दिया। अदर देन फवाद एंड माहिरा किसने, वो भी करण जौहर और बाकी कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया तो अच्छे काम किए, बाकियों ने तो वेस्ट हो किया है। तो ज़रूरी है कि पाकिस्तानी ड्रामा जो इंडियन चैनल पे या OTT पे चले शुड बी मेड इन पाकिस्तान बाय पाकिस्तानीज। यस, राइटर के लिए बड़ा चैलेंज है क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान की जो अवाम है जिसका उसको पता है, लिखा होगा बहुत उसने, सिर्फ उनको नहीं सेटिस्फाई करना है, इंडिया की अवाम में भी इन्होंने वहाँ कोई ऐसा सब्जेक्ट, ऐसी कहानी, ऐसे सीक्वेंस हो जो वहाँ के लोग भी रिलेट कर सकें। और वहाँ ज़रा फिल्म का क्योंकि बहुत है इन्फ्लुएंस, तो फिल्मी चीज़ बनाई है। आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ इट अबाउट। अब्दुल्लापुर का देवदास एक फिल्मी सीरीज़ है जिसमें पारो है, देवदास है, बट आज के मॉडर्न, और शूट बड़ा आर्टिस्टिक किया है, बहुत खूबसूरत लाहौर की गलियों में, कराची की हवेलियों में। तो डायलॉग्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत पक्के पक्के उर्दू वाले डायलॉग, खूबसूरत अकॉर्डिंग टू द सेटिंग, वैसे नहीं है। सिंपल लाइंस हैं, सिंपल उर्दू है कि लोगों को समझ आए, स्पेशली द न्यू जनरेशन जो कि सारा और बिलाल के बहुत सारे फैंस हैं। बाकी अभी ट्विस्ट टर्न्स आने हैं। अभी बिलाल ने जाना है जेल, जेल में मुलाकात होगी नुमान इजाज से, उसके बाद होनी इसकी शादी उस अली अंसारी कज़न से। यार वहाँ ये शहर में कैसे पहुँचा, शायद कॉलेज की वजह से, और जो अब्दुल का इसके साथ एसोसिएशन है वो बिल्कुल एक कंफ्यूजिंग बात है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि आगे जाके राइटर ने क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स रखे। तो नंबर्स कितने? फॉर नाउ 7 बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट प्लॉट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। के 7 सबको समझ। वेरी गुड जॉब। आशिक को लड़की के सामने ना मारो, उसको प्यार हो जाएगा। हाँ, उसकी माँ कहती है ना, मैं कह बात में दम, मैं अगर आशिक को मारना है तो साइड पे ले जाके मारो, अगर लड़की देखेगी ना किसी को अपने लिए पिटते हुए, रिस्क लेते हुए, तो गेम बदल जाती है। ये तो राइटिंग में आना चाहिए था। हाँ, है ना। हाँ, जब याद आया जिसने दो तीन ऐसी लाइनें बोली हैं। हाँ, ये बीवी को इतना मत चढ़ाओ या लड़की को इतना वो मत करो के, बट या गुड वन। तो अंजुम शहजाद हमारे डायरेक्टर, आफ्टर गिविंग अस अमेजिंग ड्रामा स्पेशली ऑन ग्रीन पे, इनका बड़ा अच्छा काम ये देखा है। जिंदो हो गया, अखाड़ा चल रहा है और बहुत अच्छा जा रहा है, साथ में अब ये 22 कदम भी। तो बिग फेदर इन हिज कैप नाउ, और इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आई थिंक इन फर्स्ट ऐसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट, उसमें मेजर सीखने को मिलेगा। तो मैं जब देख रही ड्रामा, मुझे शॉर्ट्स बड़े अच्छे लगे, अंजुम का काम, बाकी मतलब उन ड्रामों में अच्छा तो था, लेकिन अब जरा ऑब्वियसली विद बेटर बजट, मोर फैसिलिटीज, मोर टेक्निकल, बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छे ड्रोन्स यूज हुए इसमें, बड़े अच्छा, लेकिन उन सब चीज़ों को मैनेज करना एज अ डायरेक्टर, ये वो। एनीवेज, एक चीज़ जो मुझे बहुत फनी लगी और मुझे समझ नहीं आया उस पर क्यों नहीं काम हुआ। अंजुम मुझे बताओ, सवेरा है, सवेरा की दो पोर्ट्रेट्स लगी। हाँ, एक सीढ़ी पे, एक उसके कमरे में। जो सीढ़ियों पे पोर्ट्रेट लगी है वो उसमें खड़े होके उसी साड़ी में लाइंस दे रही है। सेम साड़ी, उसी साड़ी में सीढ़ियों पे खड़े होके। इतना लंबा सीन है, पीछे वही साड़ी पोर्ट्रेट में, वही साड़ी पहनी हुई है। तो डायरेक्टर कहता भाई बहन तू साड़ी बदल ले, या सीक्वेंस में फंस गए, या पोर्ट्रेट के ऊपर कलर कर लेते, क्रेयॉन से आपको ना कलर करके उसका चेंज कर लेते, उसकी टोन बदल देते, कलर बदल जाता। वो एक बार ऑफ लग रहा था ये ना, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि पोर्ट्रेट्स में, या जो आप फैमिली पिक्चर या पोर्ट्रेट कुछ लगाए, उसके कपड़े अलग होने चाहिए। ड्रामे में पूरे इन एपिसोड में 2 साड़ियाँ सबसे ज्यादा आई हैं, वही पोर्ट्रेट्स में। डायरेक्शन के नंबर तो ये यहाँ थोड़ा सा आपको नोटिस करते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। बाकी OST इज़ वेरी नाइस, बट जनरली इट्स ग्रिपिंग, इट्स नाइस, गुड डायरेक्शन, गुड OST, एडिटिंग भी ठीक है, आगे जाके और अच्छा होगा। सो फॉर नाउ आई विल गिव अंजुम एन 8। सारा की वो एक लुक सेफ है, बाल बहुत खूबसूरत है, और हमारे यहाँ एक वो स्टैंडर्ड है कि काले लंबे बाल हैं जी, लंबे दुपट्टे, और ये तो बस लड़की स्टैंडर्ड खूबसूरत पारो है। तो बट आई थिंक कि कपड़े और स्ट्राइकिंग होने चाहिए, कपड़े वो कि इसकी लुक थोड़ी, क्योंकि अगर फिल्मी ड्रामा है तो थोड़ा लार्जर देन लाइफ उसका एक पास लाइसेंस है, तो कुछ कपड़े स्टाइलिस्ट होना चाहिए था, कोई बड़ा खास जो इसके कपड़े लड़की के बनाता कैरेक्टर फ्लेयर वाले होते। हाँ, कुछ कपड़े प्रॉब्लम होती है इसके साथ, बाल चलो फिर भी ठीक है, चक्कर ये कि फैन बैंक कितना बड़ा है इसका। अब इसमें जो बिलाल और आप देख लें नमक हराम में भी कितनी इसकी इतनी फैन फॉलोइंग आ रही है, तो व्यूअरशिप इसकी वजह से बहुत मिलेगी। लेकिन सारा का वैसे जो एक्टिंग वाला सारा काम थोड़ा लिमिटेड है, अदरवाइज अभी बहुत सिंपल बेसिक जा रहा है। अभी 6 for now, but Paro has yet to impress. पता नहीं, अभी पता नहीं है जी। वो असल में वो इश्क मुर्शिद वाला इतना फंसा हुआ है, ये आया ना कंफ्यूजन भी हो गया बीच में कि किसकी बात करूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बड़ा इसको कैरेक्टर मिला है अपने करियर का, इश्क मुर्शिद एंड नाउ दिस, जिससे इसका एक और भी बहुत इंटरनेशनल बड़ा जो इसका है फ़ैन क्लब और बड़ा हो सकता है। तो चैलेंजिंग है, अच्छा है, अभी तक जो देखा है ना इट्स गुड, इट्स गोइंग टू गेट बेटर, इससे ज़्यादा अच्छा होगा अभी इसके आने मोमेंट्स, अभी तक तो जो है इट्स ओके फॉर नाउ इज 7 very good job।